वॉइस ऑफ एशियंस दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। हालांकि सरकारां वार वार अनाउंस कर रही हैं कि कोई भी मजदूर अपनी स्टेट दे विच अपने घर वापस जाना चाहता है तो वह इस लिंक दे उत्ते अप्लाई करन जिहड़े लिंक्स वार वार उन्हां वल्लों दित्ते जा रहे हैं, पर फिर भी बीती रात लुधियाने दे विच बड़ी गिनती दे विच मजदूर जिहड़े सीगे ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕੁਛ ਝਲਕੀਆਂ। सैंडल पहन चुक रहे हैं, साला ऐसा मन कर रहा है पैदल ही चले चप्पल। भैया कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया यहाँ पे? बहुत पीछे दूर से लुधियाना के आगे। कहाँ पे जा रहे हो? हरदोई जा रहे। क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत है, खाने पीने को तो है नहीं, ईंट घरों का काम वो भी बंद है, कोई सुविधा नहीं, पैसा दाम नहीं। मजदूर आदमी रोज कमाते रोज खाते क्या करें? कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, तभी तो जा रहे हैं। मिली हम लोगों का भूखे प्यासे आज 5 दिन हो गया। आप वहाँ पे कैसे जाओगे? आज ऐसे पैंदर है चले जाएंगे। जाना कहाँ पे है? हरदोई जिला। हरदोई जिला के सब हैं जाने के वास्ते। हम लोग को यहाँ रोटी नहीं मिल रही, यहाँ 4 दिन से भूखे मर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं गाँव। क्या करें सर? मालक किराया मांग रहा था, इसलिए मालक हम लोग से किराया मांग रहा, बिजली बिल वसूल लिया है, किराया भी मांग रहा, कहता जितने महीने हो गया सारा किराया दे के जाओ हम लोग को। अब क्या करें सर? हम लोग को नहीं निकलेंगे तो फिर कहाँ भूखे मरेंगे? सर किराया के लिए बोल चुका है 2 बार, कमरा खाली करने को नहीं बोले, बोले हैं किराया दे दो हम लोग को। हम बोले कि सर हमारे पास अभी पैसे नहीं है, कहाँ से किराया देंगे? रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, फिर हम किराया कहाँ से देंगे? सरकार अभी तक कोई मदद नहीं दी, इसीलिए हम आज लुधियाना दी पुलिस ते प्रशासन दे उच्च अधिकारियों दे वल्लों जड़ा है एफर्ट्स किए गए। एक ट्रेन नू जड़ा रवाना किया गया जिदे विच 900 तो ज़्यादा मजदूर प्रयागराज पहुंचे ने अपनी अपनी स्टेट्स दे लई, अपने अपने घरां दे विच पहुंचन दे लई। सो उस तो अलावा सरकार ने यह भी हिदायतां जारी कीती हैं कि वक् वक् स्टेट्स दे विच जाण वाले किहड़े किहड़े लिंक्स दे उत्ते जां किहड़ी किहड़ी मेल्स दे उत्ते अपनी डिटेल्स भेज सकते ने। इस बारे तुसीं विस्तृत खबर जिहड़ी है साडी वॉइस ऑफ एशियंस दे फेसबुक पेज दे उत्ते देख सकते हो। लेकिन हुण तुहानूं असीं दिखा दईए लुधियाना दे डिप्टी कमिश्नर श्री प्रदीप अग्रवाल दी एक बाइट जिहड़ी उन्होंने तुहाडे नाल संबोधित होया मीडिया कोल बाइट जिहड़ी पहुंची है, कुछ नवीं जानकारियां ते किन्ने केसेस होण ने, सो यह देखो। हुण
अज मिति 5 मई 2020 तक जिला लुधियाना 3,454 सैंपल जिहड़े हैगे वो असी कलैक्ट किए ने, जिहदे विचों 3,105 की रिपोर्ट जिहड़ी हैगी सानूं प्राप्त हो चुकी है। इन्हां दे विचों 2,963 सैंपल जिहड़े हैगे वो नैगेटिव पाए गए ने, 124 सैंपल जिहड़े हैगे वो जिला लुधियाना दे नाल जिहड़े संबंधित बंदे हैगे उन्हां दे पॉजिटिव पाए गए ने, 18 बाहरले जिलियां दे लोक हैगे जिन्हां दे चूंकि सैंपलिंग जिहड़ी हैगी टैसटिंग जिहड़ी हैगी इत्थे होई है, तां इस करके उन्हां दी काउंट साडे कोल हैगी। 18 इहो जिहे केस हैगे जिहड़े कि बाहरले डिस्ट्रिक्टां दे नाल संबंधित ने, जिला लुधियाना दे 124 ते 18 बाहरले डिस्ट्रिक्टां दे। 124 विचों जिहड़े लुधियाना दे पॉजिटिव केस आए सीगे उहदे विचों 8 पेशेंट जिहड़े हैगे वो हाले तक क्योर डिकलेयर हो चुके ने, और 5 डैथ जिहड़ियां हैगियां वो रिपोर्ट लुधियाना दी होईयां ने। 111 जिहड़े हैगे इस वेले एक्टिव केस जिला लुधियाना नाल संबंधित इस वेले हैगे, जिहड़े कि अपने वख वख होस्पिटलां दे विच एडमिट ने और उन्हां दा इलाज जिहड़ा हैगा वो वदस्तू चल रहा हैगा। इस तों अलावा एक बहुत वड्डा इशू जिहड़ा हैगा माइग्रेंट पॉपूलेशन दा, उहदे लई पंजाब सरकार वल्लों हर एक स्टेट गवर्नमेंट दे नाल तालमेल जिहड़ा हैगा वो लगातार किया जा रहा है। उहदे विच अज सानूं कुछ मंजूरियां जिहड़ियां हैगियां वो प्राप्त होईयां ने। यूपी गवर्नमेंट वल्लों अज पहली ट्रेन जिहड़ी हैगी वो जिला लुधियाना तों लैण वास्ते उन्होंने मंजूरी दित्ती हैगी, उहदी तैयारियां जिहड़ियां हैगियां इस वेले चल रही हैं। रेलवे नूं असीं ऑलरेडी इंडेंट प्लेस करता हैगा, रेलवे सानूं अज रात नूं एक ट्रेन जिहड़ी हैगी वो प्रोवाइड करेगा। इहदा जिहड़ा सिस्टम हैगा वो बहुत ही क्लीयर हैगा, तो इस करके मैं सारे के सारे लोगों नूं बेनती करना चाहवांगा कि काइंडली किसी भी रूमर दे विच उन्होंने नहीं आना, किसी की गल ते उन्होंने विश्वास नहीं करना हैगा। केवल और केवल जिला प्रशासन वल्लों उन्होंने मैसेज जिहड़ा हैगा वो भेजा जाएगा। जिस भी बंदे नूं असीं आइडेंटिफाई करांगे अपने डेटाबेस चों, उन्हां नूं असीं बेनती करांगे कि उन्हां नूं असीं एक अलर्ट भेज देवांगे कि तुहाडी ट्रेन जिहड़ी हैगी वो अज इन्नी तारीख नूं या अज या कल या परसों इन्नी तारीख नूं इन्ने बजे जाण वाली हैगी, तां काइंडली अपनी तैयारियां जिहड़ियां हैगियां वो मुकम्मल कर लें। और जिहड़े बंदियां नूं ये मैसेज जाऊगा केवल और केवल उही बंदे जिहड़े हैगे वो एलीजिबल होवांगे ये ट्रेन की वरतों करन दे वास्ते, क्योंकि एक तरीके नाल उन्हां दा पास होवेगा। उस तों बाद ये सारे बंदे जिहड़े हैगे इन्हां नूं असीं उन्हां दे जिहड़े रेजिडेंसिस हैगे उन्हां रेजिडेंसिस दे नेड़े कोई लोकेशन उन्हां नूं दस्सांगे जिथे कि वो अपनी बसां जिहड़ियां हैगियां असीं अरेंज कीतियां होईयां ने उन्हां नूं बोर्ड कर सकणगे। केवल उही बंदा जिहड़ा हैगा बस दे विच बोर्ड कर सकूगा जिस दे मोबाइल दे उत्ते ये जिहड़ा SMS हैगा वो आया होवेगा। और इस नूं रास्ते दे विच असीं ट्रेन दी टिकट जिहड़ी हैगी वो भी प्रोवाइड करांगे, ते नाल ही नाल असीं उस दी एक मेडिकल स्क्रीनिंग जिहड़ी हैगी वो भी करनी हैगी, क्योंकि बिना मेडिकल स्क्रीनिंग तो कोई भी स्टेट उन्होंने नहीं लवेगा। और मेडिकल स्क्रीनिंग भी सिर्फ उन्होंने बंदियां दी कीती जाएगी जिन्हां बंदियां दे मोबाइल दे विच ये मैसेज जिहड़ा हैगा वो आया होवेगा। ये बंदे जिन्हां दी मेडिकल स्क्रीनिंग दे विच जिहड़े बंदे पास हो जाते हैं तो जिन्हां दे कोल टिकट होवेगी उन्होंने असीं रेलवे स्टेशन ते छड्ड देवांगे, और रेलवे डिपार्टमेंट वालों उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक डिब्बा का जिहड़ा सिस्टम उन्होंने तैयार किया है उस मुताबिक उन्होंने वख वख डिब्बियां दे विच ले जाया जाएगा। और डिब्बे इस तरह के होंगे कि आपस एक डिब्बे तो दूजा डिब्बा जिहड़ा है वो कनैक्टेड ना हो, लोग जिहड़े हैं मूवमेंट ना कर सकन, तो काफ़ी वड्डी मैमूथ एक्सरसाइज जिहड़ी हैगी वो की जा रही हैगी। लोगों मैं बेनती करना चाहवागा कि इस मैमूथ एक्सरसाइज के डिसिपलिन जिहड़ा है उसनों मेनटेन करके रखन, क्योंकि जे कोई भी बंदा छोटी सी भी गलती करता है डिसिप्लिन जिहड़ा है वो ब्रेक होंदा है, तो कितने साडी जिहड़ी ये मुहिम हैगी उसनों झटका ना लग जाए, कोई इस मुहिम नूं बंद करने की नौबत ना आ जाए। तो इस करके मैं सारे बेनती करांगा कि काइंडली अपनी टर्न का वेट करन, और उस अपनी टर्न पर जब भी तुहानूं कॉल आउंदा है मैसेज आउंदा है तो उस मुताबिक जो भी इंस्ट्रक्शन तुहानूं दिते जाते हैं उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तुसीं उन्हां नूं फॉलो करो। कोई भी बंदा डायरैक्टली रेलवे स्टेशन पर ना पहुँचे, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और असीं किसी भी बंदे नूं डिसिप्लिन तोड़न की मंजूरी जिहड़ी है किसी कीमत पर नहीं देवांगे। कोई भी बंदा रेलवे स्टेशन के नेड़े तेड़े बिना परमिशन दे बिना मेडिकल स्क्रीनिंग दे बिना टिकट दे ना पहुंचे, अदरवाइज पुलिस जिहड़ी हैगी उन्होंने असीं हिदायत दित्ती हुई है कि चारों पास रेलवे स्टेशन चंगी तरह घेर के भी रखे, और जे कोई बंदा इस तरह का होंदा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करे। थैंक यू। स्वागत है थानू यही आए थे दर्शन फसे थे अपने गाँव जाना चाहते है, धन्यवाद। हम दर्शन के लिए आए थे और फंस गए, हम अपने गांव जाने चाहते हैं, आपको धन्यवाद। जब हाँ खुश रहे अपने गांव जाने, सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमें हमारे गांव जाने दिया जा रहा है, और सर यहाँ पे स्क्रीनिंग सब कर
व्यवस्था है वहाँ करके हमें हमारे यहाँ से। मैं यूके इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। पंजाब सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि हमें घर जाने में मदद कर रहे हैं, और मैं अपने सारे दोस्तों को जो फंसे हुए हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, घर जाना चाहते हैं, जो पंजाब सरकार कोविड 19 की तरफ से अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हैं उसको भरा जाए, अपने घर को जाए, और मैं पंजाब सरकार धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार पाल है, मैं प्रयागराज जाना चाहता हूँ। मैं लुधियाना पंजाब सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पर जितने दिन थे हमें राशन वगैरह मुहैया कराया ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। आज हम लोग अपने घर जा रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, और हम दोबारा लुधियाना जाने के बाद हम घरों से मिल लेंगे, उसके बाद हम वापस भी यहीं पर आएंगे, हमारा घर भी यहीं पर है, दोबारा कमाने यहीं पर आएंगे। और पंजाब सरकार बार बार धन्यवाद करता हूँ अपने, और मैं अपने यूपी भाइयों जिन्हें यहाँ पर फंसे हुए लोगों यूपी के, उनको मैं कहना चाहता हूँ जो पंजाब की वेबसाइट बनाई गई रजिस्ट्रेशन करने के लिए गांव जाने के लिए, उनके पास दोबारा लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद गांव जाएं आप लोग। और पंजाब सरकार की पूरी मदद कर रही है, आप लोग उनके साथ कोऑपरेट करें। पंजाब सरकार का धन्यवाद हम लोगों को जो इतना बढ़िया इंतजाम करके भेज रहा है, और हम लोग अच्छे ढंग से जा रहे हैं। सर जी, हम करीब 1.5 महीने से यहाँ थे, वैष्णो देवी जाने वाले थे, मैं बंद हो गया वो गेट, तो हम लोग अभी आज यहाँ सरकार के इंतजाम के अनुसार अपने गांव वापस जा रहे हैं। बात है जो कि सरकार ने ऐसा प्रबंध किया। सुनील कुमार, आप कहाँ के जा रहे हो? इलाहाबाद जा रहे हैं, प्रयागराज। अच्छा, आपको ये पंजाब सरकार ने अरेंजमेंट्स किए हैं आपके घर पहुँचाने के लिए? हाँ हाँ सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप खुशी की बात है। पंजाब सरकार हमारी हमारे घर तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत कृपा करेगी, धन्यवाद सर। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे यूपी के भाइयों लोग रहने हैं जो जाने वाले हैं, वो हमारे पंजाब सरकार की वेबसाइट पर अपना अप्लाई करके फार्म भर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और यहाँ उनकी पूरी सुविधा दी जा रही है, पंजाब सरकार ने दे रही है गवर्नमेंट, और पूरे यूपी तक छोड़ने की प्लान पंजाब सरकार ने हमारी कर रखी है, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उसके पंजाब सरकार के प्रति। और स्वागत है, थानू यही बेनती करांगे कि अपने अपने घर के अंदर स्टे करो, तुसी कोरोना नू हरा सकते हो जे सिर्फ अपने आप नू जित लो। अपने आप नू ता जितोगे जे अपनी मन दियां सारियां ख्वाहिशां मार के तुसी घर के अंदर ही रहोगे। जे थानू कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी कहना चाहते हो तो अपनी 30 सैकेंड की वीडियो बना के साडे तक भेज सकते हो, असी बुलेटिन दे विच जरूर शामिल करांगे। फिर मिलांगे कुछ होर ताज़ियां जानकारियां लेके। नमस्कार।